संजय वाच करुणा से व्याप्त और शोक युक्त नैनों से आंसू छलक रहे अर्जुन की ऐसी दशा देख मधुसूदन ने ये वचन कहे हे पार्थ तुम्हारे मानस में ऐसा कल्मश कैसे आया जीवन मूल्यों के ज्ञाता को अनुकूल नहीं इसकी छाया जिसका मन दुर्बल करे शोभ मोह और शोक उसको अपयश ही मिले मिले ना ऊंचा लोक रोक ये चिंतन रोक हे पृथा पुत्र इस हीन नपुंसकता से नाता मत जोड़ो ये तुम्हें नहीं शोभा देती इसको तत्काल यहीं छोड़ो हे शत्रु दमन करता अपने अंतर की दुर्बलता तज कर हो जाओ युद्ध के हेतु खड़े भीषण महाभारत है सर पर अर्जुन उवाच हे अरिहंता हे मधुसूदन अनुचित में नहीं कर पाऊंगा गुरु द्रोण पितामह भीष्म पे कैसे पलट के बाण चलाऊंगा जो महापुरुष गुरु उनका वध करने से कहीं ये अच्छा है भिक्षाटन करके पेट भरूं कोई दोष न इसमें दिखता है हूं सांसारिक लाभ के भले ही वांछावान इससे घट नहीं जाएगा जो गुरुजन का अपने ही लोग उनके रक्त से जो सनी क्या उस वस्तु का भोग क्या श्रेष्ठ हमारे लिए अभी हमने तो ये भी नहीं जाना उनके द्वारा होना परास्त या उन पे विजय रण में पाना यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं निष्ठुर हो तो जीना नहीं अनिवार्य खड़े हैं रण में वे युद्धातुर हो अपनी कृपण दुर्बलता के कारण बैठा हूँ मैं कर्तव्य अपना विसार के मोहनिद सो चुका हूँ अकर्मण्य हो चुका हूँ आत्मबल खो चुका हूँ धीरज हार के केशव केवल मेरे रथ चालक नहीं आप संचालक हैं सारे संसार के मेरे लिए उचित श्रेयश कर जो मेरे लिए कृपा कर कहें हित मेरा विचार के
मैं शिष्य हूँ आपका, शरणागत हो नाथ, हितकारी उपदेश दें गुरु आज्ञा के साथ, थाम के मेरा दिखता ना ऐसा कोई साधन मुझे जो मेरे इंद्रियां सुखाने वाले शोक को सुखा सके। अधिकारी स्वर्ग के देवों की भांति पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी संताप ना घटा सके। संजय वाच। ऋषि केश कृष्ण से युगुडा केश पार्थ बोला, शक्ति नहीं हाथ में जो शस्त्र उठा सके। हे गोविंद युद्ध में कदापि न करूँगा, इस निर्णय से मुझे अब कोई न डिगा सके। धृतराष्ट्र भरतवंशी, जहाँ दोनों दल के वीर थे सारे, अर्जुन को संबोधित कर वहाँ कृष्ण ने हंस के ये वचन उचारे। पांडित्य पूर्ण वचन कहते हो, पूर्ण वचन कहते पर रहते हो वचनों से न्यारे। जीवित मृत से शोक विहीन रहे बुद्ध जन, समभाव को धारे। जीवित मृत का शोक करे न रहे बुद्ध जन, समभाव को धारे। ऐसा कोई काल न आया, इन सब राजाओं ने धरा का चक्कर बारंबार लगाया। और न ऐसा के आने वाले, और न ऐसा के आने वाले, समय में हमें नहीं जाएगा पाया। मिलके बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, काल और कर्म की है यही माया। मिलके बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, काल और कर्म की है यही माया। देहधारी आत्मा बचपन से जरा की ओर चले, फिर मृत्यु के आने पर यह चोला त्याग नया चोला बदले। इस मृत्यु लोक में जीव न जाने कब से जीते मरते हैं, मत धीर मोह में पड़ते नहीं, ज्ञानी संताप न करते हैं। सुख दुख के उदय को और अस्त को कुंती सुत जानो, ऐसे शीत और ग्रीष्म ऋतुओं का आना जाना अनुक्रम से जैसे। सुख दुख है भरतवंशी, इंद्रियों के बोध से अनुभव होते हैं, ज्ञानी उन्हें अविचल हो सहते, हंसते हैं और ना रोते हैं।
पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन जो पुरुष विचलित नहीं होता सुख दुख में समभावी निश्चय मुक्ति योग्य पुनि पुनि न पड़े यम के मुख में निष्कर्ष तत्वदर्शियों ने चिंतन कर कर के ये निकाला है तन का न चिरस्थायित्व ये भौतिक अमर न रहने वाला है यह आत्मा किंतु अपरिवर्तित तन का परिवर्तन होता है जड़ के संग यूं एक आत्म हुआ सुख दुख में हंसता रोता है बुद्ध जन ने इन दोनों की प्रकृति का भली भांति अध्ययन किया तब जड़ चेतन के भिन्न भिन्न होने का सम्यक ज्ञान दिया जो सर्वांग में व्याप्त अविनाशी समझो उसे जो उसे करे समाप्त नहीं समर्थ ऐसा कोई अविनाशीय प्रमेय शाश्वत जीवात्मा का भौतिक शरीर पंचभूतों में समाना है मृत्यु ध्रुव सत्य है अवश्यम भावी आयु होने पे पूर्ण उसे आना ही आना है हाथ आया अवसर यूं ही न गंवाना है लड़ना संग्राम तो क्या भावना से काम उठो धनुष लो थाम नाम कुल का बढ़ाना है जो इस जीवात्मा को जाने मरने वाला मारने वाला उस अज्ञानी के अंतर में किंचित भी नहीं ज्ञान उजाला ये न मरे न मारे किसी को मारने मरने का क्यों भ्रम पाला पापी तनों पर दुष्ट जनों पर शस्त्र उठाओ कुंती के लाला करके धर्म का युद्ध तुम अपना धर्म निभाओ कुंती के लाला किसी काल में नहीं जन्मे नहीं मृत्यु को पाए जीव अजन्मा न लेता जन्म न लेगा जन्म ये शास्त्र बताए नित्य सनातन सत्य चिरंतन सनातन सत्य चिरंतन पर्यायों में आए जाए ये तो अनादि अनंत का यात्री आयु पड़ाव पड़ाव बिताए ये तो अनादि अनंत का यात्री आयु पड़ाव पड़ाव बिताए है जो व्यक्ति
जी के आत्मा अविनाशी शाश्वत अव्यय है। कैसे भला वह उसको बधे वध करवाए जो जीव क्षय है। दर्शन के चिंतन का नहीं रे, दर्शन के चिंतन का नहीं रे, शस्त्र उठाने का ये समय है। शस्त्र उठा आगे बढ़ जा, सदा धर्म की जय, सत्य धर्म की जय है। शस्त्र उठा आगे बढ़ जा, सदा धर्म की जय, सत्य धर्म की जय है। जैसे मनुज जीर्ण वस्त्र तज कर परिधान नूतन तन पे सजाए, वैसे ही आत्मा तज व्यर्थ काया नए शरीरों में घर बनाए, भौतिक शरीरों में घर बनाए। कोई विशस्त्र आत्मा के खंड खंड नहीं कर सके, जला सके नहीं आत्मा को, ज्वाला जल जल के थके। नीर से ये विगलित न हो और न सूखे वायु से, आयु शरीरों की से काम नहीं कुछ आयु से। आत्मा अचल अखंडित है, अक्षय अघुलनशील है, जले न गले न यह सूखे, श्वेत न श्याम न नील है। शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी स्थिर है सदा। समरसता रस पान करे, विषय का विष न चखे कदा। किंतु जन्म और मरण तुम मानो सके यथार्थ, तो भी कारण शोक का इसलिए नहीं कोई पार्थ। जन्मे की मृत्यु निश्चित है, निश्चित है पुनरागमन। करणीय कृत्य करने में शोक करो मत धीर जन। आदि में समस्त जीव रहते अव्यक्त, और मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं। अंत में विनष्ट होना सबका प्रारब्ध, कभी हुए नहीं व्यक्त, कुछ ऐसे खो जाते हैं। अतः क्यों शोक, आवश्यकता क्या शोक की है। सोए जीव जागे, जागे फिर सो जाते हैं। सोकर भी सोते नहीं, खोकर भी खोते नहीं, पुनरागमन के वे बीज बो जाते हैं। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखे और कोई इसे आश्चर्यजनक बताता है।
कोई कोई ऐसा भी है सब कुछ सुन के जो उलझा ही रहे कुछ समझ न पाता है। देह का जो स्वामी वो अवध्य नित्य शाश्वत है, शाश्वत के संग कहाँ मृत्यु का नाता है। हे भरत वंशी तुझे अजरा अमर के मरने का शोक फिर क्यों कर सताता है। अर्जुन क्षत्रिय होने के मर्म को जानो, धर्म के युद्ध में क्या है तुम्हारा धर्म, विचार करो पहचानो। कार्य तुम्हारे लिए नहीं कोई, इससे बढ़कर श्रेष्ठ ये मानो। मोह को त्यागो, शोक से निकलो, दुष्ट अधर्मियों पे शरतानो। मोह को त्यागो, शोक से निकलो, दुष्ट अधर्मियों पे शरतानो। क्षत्रिय उनसा सुखी नहीं कोई जो ऐसे युद्ध के अवसर पाते। महिमा मंडित होते यहाँ और स्वर्ग के द्वार वहाँ खुल जाते। हे बलधारी तुम वीरोचित, युद्ध का धर्म नहीं जो निभाते। तो लगे धर्म उपेक्षा का पाप, न देर लगे योद्धा पद जाते। लग जाए धर्म उपेक्षा का पाप, न देर लगे योद्धा पद जाते। करेंगे लोग बखान तेरे अपयश का सदा, जिसको प्रिय सम्मान अपयश उसको मृत्यु सम। जिन जिन ने सम्मान दिया तुम्हें, माना जिन्होंने लोहा तुम्हारा, या तो तुमको तुच्छ कहेंगे या समझेंगे भय का मारा। कटु वचनों के व्यंग के बाण, कटु वचनों के व्यंग के बाण चलाए जाएंगे शत्रुओं द्वारा। होगी हंसी सामर्थ्य की तो यूं लगेगा जैसे घात कुठारा, होगी हंसी सामर्थ्य की तो यूं लगेगा जैसे घात कुठारा। वीर गति रण में मिलेगी तो मिलेगा स्वर्ग, पाओगे विजय श्री तो भूपति कहोगे। भूपति बनोगे तो भोगोगे साम्राज्य सुख, वैभव ऐश्वर्य से तोल दिए जाओगे। अतः हो जाओ खड़े दृढ़ संकल्प लेके लोगे संकल्प तो वचन निभाओगे। युद्ध छोड़ दूस
दूसरा विकल्प नहीं कुंती पुत्र, दोनों ही दशा में लाभ दुर्लभ कमाओगे। जीत के हार युद्ध करो बस युद्ध को, इनका छोड़ विचार, लगे न पापाचार। भाषित सांख्य के द्वारा अब निष्काम सुनो वह कर्म के जिसमें निहित कल्याण तुम्हारा। तुम निष्काम जो कर्म करोगे, ऐसे ज्ञान काले उजियारा, तो तुम्हें पार्थ मिलेगा निश्चित कर्म के बंधन से छुटकारा। तो तुम्हें पार्थ मिलेगा निश्चित कर्म के बंधन से छुटकारा। ऐसे कर्म में हानि न ह्रास है जो निष्काम कहने वाला, इस पथ पर एकाध चरण भी भीषण भय से बचाने वाला हो। एक लक्ष्य प्रयोजन में दृढ़, जो इस मार्ग पे जाने वाला, बहु शाखाओं में रहता विभक्त प्रतिज्ञा जो न निभाने वाला। ग्रहण तुम्हें करना गुरु नंदन, मैं तो हूँ सार बताने वाला। क्या उनके भ्रम की बात कहें, वेदों के अलंकारिक ऐसे शब्दों पर वे आसक्त रहें। जो स्वर्ग प्राप्ति शक्त्यादि और अच्छे जन्मों की संस्तुति कर, मूढ़ों से विविध सकाम कर्म करवाते व्यर्थ प्रलोभन पर। इंद्रिय तृप्ति के दास इनकी अभिलाषा करें, इन भ्रमितों के पास इनसे बढ़कर कुछ नहीं। इंद्रिय भोगैश्वर्य से पूर्ण प्रभावित हो जाते हैं, भोग की वस्तुओं पे मन हार के मोहित होते भरमाते हैं। उनके मनों में ईश्वर भक्ति के दृढ़ निश्चय न ठहर पाते हैं। कुछ न समझते वे उन्हें आगम निगम सभी नित समझाते हैं। कुछ न समझते वे उन्हें आगम निगम सभी नित समझाते हैं।
अर्जुन वेदों ने तो प्रकृति के मुख्यतः तीन मूल गुणों की विशेषता बखानी है। इन तीन गुणों से ऊपर उठो क्योंकि इन्हें अंगीकार करने में हानि ही हानि है। द्वैत समस्त लाभ और सुरक्षा इन विषयों के चिंतन से मुक्ति तुम्हें पानी है। इनसे न ग्रस्त रहो आत्म परायण हो यही एक युक्ति जो तुम्हारे काम आनी है। कूप का कार्य तुरंत हो पूर्ण विशाल जलाशय द्वारा। लाभान्वित हो वेदों के अंतर तात्पर्य का जानन हारा। सफल मनोरथ हो अविलंब मनोरथ हो अविलंब प्रयोजन उसका सिद्ध हो सारा। कूप को छोड़ जलाशय में करो स्नान यही आदेश हमारा। वेदों के अंतर भेद को जानो प्रवाहित वेदों से ज्ञान की धारा। कर्म करने का अधिकार है अवश्य तुम्हें किंतु अधिकारी नहीं तुम कर्म फल के। कारण स्वयं को न जानो कर्म फल का के कर्म फल हाथ में प्रारब्ध प्रबल के। कर्म के न करने में रखो ना आसक्ति बिन कर्म किए कुछ न मिलेगा आगे चल के। बोया बीज पल्लवित पुष्पित फलित होता एक दिन वृक्ष के स्वरूप में ढल के। धनंजय सर्वाशक्ति जो त्याग दी जाए फिर जो हो समभाव से कर्म तो उसकी समता योग कहे। भक्ति धरो तजो गर्हित कर्म हित कर्म के भाव यही ईश्वर से मिलाए। करके भोग सकाम फलों का इच्छुक व्यक्ति कृपण को ल जाए। करके भोग सकाम फलों का इच्छुक व्यक्ति कृपण को ल जाए। भक्ति में संलग्न रहे प्रभु में जो मग्न रहे ऐसे जीवात्मा का तो भाग्य जग जाता है। रमता भजन में जो इसी जीवन में वो कर्म जो शुभाशुभ है उनसे मुक्ति पाता है। अतः प्रयत्न करो योग के लिए सारा कार्य कौशल यही धर्म बताता है। योग नाम चित्त की वृत्ति के निरोध का है। मनुज को योग निष्काम बनाता है।
इस प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त गण भगवत भक्ति जो हृदय में धर लेते हैं, रहते वो भौतिक जगत में पर अपने को कर्म फल प्राप्ति से मुक्त कर लेते हैं। इस भांति छूट जन्म मृत्यु के चक्र से वे परम पिता के चरणों में घर लेते हैं। प्रभु की शरण पाके निरापद निरामय निराकुल सुख की अवस्था भर लेते हैं। सघन अरण्य पार कर जाएगी तब बिन प्रयत्न ही जीवन में निष्काम अवस्था आएगी। तुम सुने व सुनने योग्य के प्रति हो जाओगे अन्य मनस्क सके, फिर व्यर्थ सोच नाथों के बोझ रह जाएंगे तुमसे दूर रखे। जब चित्त वेद की आभूषित भाषा से नहीं विचलित होगा और ध्यान समाधि में आत्मा के साक्षात्कार को स्थित होगा, तब दिव्य दृष्टि और दिव्य चेतना प्राप्त तुम्हें हो जाएगी। ये मोह वारुणी उतरेगी, कर्तव्य की बेला आएगी। केशव स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है कृपा करके समझाओ, कैसे चले कैसे वह बोले कैसे उठे बैठे ये बताओ। जब नर कहता के शांत रहो, जब नर कहता कि शांत रहो मन जा इंद्रिय सुख की इच्छा हो, तब पाए वो विशुद्ध चेतना उस स्थित प्रज्ञ को ध्यान में लाओ। तब पाए वो विशुद्ध चेतना उस स्थित प्रज्ञ को ध्यान में लाओ। एक दैविक भौतिक तीन ताप दुखदायक इनका आक्रमण सह के जो न डगमगाए रे, सुख में अति प्रसन्न न हो दुख में अति विसन्न न हो, सुख दुख में जीवन समभाव से बिताए रे। कैसी भी आसक्ति न हो क्रोध का कषाय न हो, भय किसी प्रकार का भी जिसे न सताए रे, समरसता पान कर मुक्त हो उन्मुक्त रहे, वह स्थिर मन वाला ही महामुनि कहाए रे। भौतिक जग में जो शुभ का लाभ होने पर लाभ को अस्थाई जान हर्ष से न भरता, अशुभ के उदय से जो होती है हानि उससे करता नहीं गानी
और घृणा नहीं करता। स्थितियां विपरीत भले कैसी भी हूं, परंतु जिसके धीरज का कोष तनिक नहीं बिखरता, ऐसा ही प्राणी स्थिर पूर्ण ज्ञान में होता, करता उपभोग सदा आत्मनिर्भरता। जिस प्रकार से कछुआ अपने संपूर्ण अंग करके संकुचित रखे खोल में छुपाए के, इसी भांति इंद्रियों को विषयों से खींच खींच भोग त्याग रखे जो योग में लगाए के, ऐसा नर स्थिर होता पूर्ण सुदृढ़ चेतना में, पाता आनंद दिव्य ज्ञान ज्योति पाए के, अचल अडिग आत्मा वह कर्म से महात्मा, निज आत्मा में रखे परमात्मा बसाए के। निवृत्त भले हो जाए पर उसमें भोगने की लालसा बनी रहे, उत्तम रस अनुभवी के भोगहीन होने पर भक्ति में स्थिरता शुभ भावना बनी रहे। हे अर्जुन वेगवान प्रबल ऐसे, इनको जीतने की जिसमें कामना बनी रहे, उसका ज्ञान चित्त चेतना भी ये हर लेती, इन्हें वही जीते जिस पे प्रभु कृपा बनी रहे। वश में रखे सुजान अपनी मनवाए उन्हें, बात न उनकी मान, अपनी चेतना अपना ध्यान अर्पण करे लक्ष्य मुझे जान, उसके ज्ञान में परम विशुद्धि वास्तव में है, वही स्थिर बुद्धि। इंद्रिय विषयों का पथ जो गहे वह आसक्त शक्ति काम भड़काए, जागे काम तो क्रोध बढ़ाए, क्रोध से मोह महाभट जगे, मोह से स्मरण शक्ति भ्रम ठगे। शक्ति पर मनुज की जब भ्रम तम छा जाए, नाता रहे न ज्ञान
बुद्धि समूल नशाय। बुद्धि नष्ट जब हो मार्ग कोई सूझे नहीं, बचा सके नहीं को पढ़ने से भवकूप में। किंतु जो प्राणी राग द्वेष के चंगुल से बाहर आ जाए एवं चंचल इंद्रियों को वश करने की सामर्थ्य बढ़ाए, तन मन पर बस कर ले नियंत्रण, तन मन पर बस कर ले नियंत्रण, ध्यान की ज्योति भले न जगाए। निसंदेह किए बिन याचना वो अनुकंपा हर की पाए, निसंदेह किए बिन याचना वो अनुकंपा हर की पाए। जो इस भांति के कृष्णामृत की बूंदों से घट भर ले जाए फिर संसार के तीनों ताप में एक भी ताप से न जलाए, जिसकी चेतना तुष्ट हो ऐसी, जिसकी चेतना तुष्ट हो ऐसी उसकी बुद्धि में स्थिरता आए। साधक योगी या स्थित प्रज्ञ कोई भी विशेषण उसको सजाए, साधक योगी या स्थित प्रज्ञ कोई भी विशेषण उसको सजाए। कृष्णामृत में जो आंतरिक भावना का परमेश्वर से जुड़ाव नहीं रखता, होती ही नहीं है प्राप्त उससे दिव्य बुद्धि, वह मन की स्थिरता का रस नहीं चखता। दिव्य बुद्धिहीन और अनिश्चिर मन वाला वस्तु का वास्तविक रूप नहीं लगता। प्रभु की प्रकृति परमार्थ की, परंतु प्रभु पहले दानोचित पात्र परखता। चंड पवन जो दूर बहा ले जाए, विचरणशील इंद्रियों में यूं ही निरंतर नर्मन जिसपे लगाए, हाँ वही डाले मनुष्य को भ्रम में, और वही उसकी बुद्धि चुराए। चोरी हो जाए बुद्धि तो कोई फिर क्या समझे क्या समझाए, चोरी हो जाए बुद्धि तो कोई फिर क्या समझे क्या समझाए। अतः बाहुबल वीर जिसकी सारी इंद्रियां वश में रहे धर धीर, बुद्धि उसी की स्थिर रहे।
का समय है। आत्म संयमी उसमें जागे कि सिद्धियों के पाने का समय है। सब जीवों के जागने का जो चेतना में आने का समय है। आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए वह रात्रि है सुस्ताने का समय है। आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए वह नीरव हो जाने का समय है। सिंधु में अविरल नदियों के प्रवेश कर जाने पर विचलित नहीं होता इच्छाओं की प्रबल बाढ़ के आने पर, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वही स्थिर हो समय बिताता है, वह नहीं के इच्छाओं की तुष्टि को जो अतिष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं त्यज कर सर्वथा इच्छा रहित रहता, न कहता सुनता ममता की कथा। जो अहंकारी नहीं निर्लिप्त है संसार से, वही शांति पाए वास्तविक अपने ही अंतर द्वार से, वही शांति पाए वास्तविक अपने ही अंतर द्वार से। आध्यात्मिक व जीवन ईश्वरीय का पंथ है, मोहित न हो इसका पथिक, वह तो परम निर्ग्रंथ है। अंतिम समय भी यदि कोई परिणत हो इस परिणाम में, तो हर से हो साक्षात वह बस जाए भगवत धाम में। श्री हरि से हो साक्षात वह बस जाए भगवत धाम में।